दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी विल पावर टेस्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप दिखने में बिलो एवरेज इंसान हैं। आपकी स्कूल में हमेशा लड़ाई होते रहती है, आपके टीचर्स एंड आपके घर वाले आपसे नाराज रहते हैं। आप फोर्थ क्लास में पहुंचते हैं और आप दो बार फेल हो जाते हैं। आपके साथ वाले सिक्स्थ में पहुंच चुके हैं, फिर आप एट्थ क्लास में पहुंचते हैं और आप तीन बार फेल हो जाते हैं। आप ही के साथ वाले लोग ग्रेजुएशन स्टार्ट कर चुके हैं, फिर आप ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और उसमें भी पाँच बार फेल हो जाते हैं। आपके आसपास के पड़ोस वाले सारे इंसान आपको लूज़र समझते हैं। उसके बाद आप 30 जॉब इंटरव्यूज देते हैं और हर बार रिजेक्ट हो जाते हैं, और वो कोई ऐसी वैसी रिजेक्शन नहीं थी, वो एक्सट्रीम रिजेक्शन थी। उसके बाद आप KFC में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और 24 में से 23 लोग सेलेक्ट होते हैं। सिर्फ एक इंसान है जो सेलेक्ट नहीं हुआ और वो आप हो। फिर आप पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने जाते हैं, पाँच में से चार लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। दोबारा से सिर्फ एक इंसान सेलेक्ट नहीं हुआ और वो आप ही थे। फिर आप अपने कज़िन के साथ एक 4-स्टार होटल में जॉब लेने जाते हैं। 2 घंटे गर्मी में लाइन में खड़े रहने के बाद आपका कज़िन, जिसका आपसे भी आधे से कम मार्क्स है, उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस मोमेंट पर, इस फेलियर्स के बाद, हम में से मैक्सिमम लोग क्विट कर देंगे कि यार अब मुझसे और फेलियर सहन नहीं होते, मुझे लाइफ में और कुछ नहीं करना है, आई क्विट। बट जैक मा, जिनके साथ एक्चुअल में ये सब चीज़ हुई है, उन्होंने क्विट नहीं किया और इसलिए वो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और इनका IPO आज तक का सबसे बड़ा IPO है, इवन बिगर देन गूगल। तो आइए नज़र डालते हैं जैक मा की स्टोरी पर। जैक मा पैदा हुए थे 15 अक्टूबर 1964 साउथ ईस्टर्न चाइना में, जिस जगह का नाम था हैंगजू। उनका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन थी। ये उस वक्त की बात है जब चाइना वेस्ट से पूरी तरीके से आइसोलेटेड था और उनके घर वालों के पास उन्हें पालने के लिए बहुत कम पैसे थे। 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन उनके सिटी आए थे, जिसकी वजह से उनका सिटी फेमस हो गया और वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। जैक मा को इंग्लिश सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए वो टूरिस्ट के फ्री गाइड बनते और उनसे बातचीत करके अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते। उनको ये निकनेम जैक उनके एक टूरिस्ट फ्रेंड ने दिया था। बहुत सारे फेलियर्स के बाद 1988 में जैक मा ने अपने सिटी की सबसे कम फेमस यूनिवर्सिटी से पास हुए। उसके बाद वो 30 से ज़्यादा जॉब में रिजेक्ट हो गए और फाइनली एक लोकल यूनिवर्सिटी में एज एन इंग्लिश टीचर $12 पर मंथ की सैलरी में जॉब ज्वाइन कर ली। 1995 में जब वो पहली बार US गए तो वहाँ पर वो पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। वहाँ पर उनके दोस्त ने उन्हें कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने को कहा, लेकिन वो कंप्यूटर को टच करने से भी डर रहे थे। बहुत कन्विंस करने के बाद जैक मा ने इंटरनेट पर बियर वर्ड सर्च किया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि बियर सबसे रिलेटेड हर देश का डाटा वहाँ पर अवेलेबल है, पर चाइना का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं था। जैक मा इंटरनेट से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे और उन्होंने सोचा वो अपने देश के हर मिडिल क्लास बिजनेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। वो अपने देश चाइना गए और वहाँ पर एक वेबसाइट खोली, जिसका नाम था चाइना पेजेस। इसका काम था बाकी मिडिल क्लास बिजनेस के लिए वेबसाइट क्रिएट करना। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट ना आने के बाद थोड़े सालों के बाद उन्हें ये भी बंद करनी पड़ी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जैक मा ने हार नहीं मानी और कुछ सालों के बाद अपने सारे दोस्त और अपने पत्नी के साथ मिलकर एक नई वेबसाइट खोली, जिसका नाम था Alibaba.com, जिसका काम था कि एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट्स इस वेबसाइट में डाल सकते थे और कस्टमर्स उसे डायरेक्टली खरीद सकते थे। मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट इसमें रिमूव कर दिया गया। पहले 3 साल तक उन्होंने इस कंपनी से कुछ भी पैसे नहीं कमाए, लेकिन अक्टूबर 1999 में जैक मा ने गोल्डमैन सैक्स से $5 मिलियन रेस किए और सॉफ्ट बैंक से $20 मिलियन, और 2005 में अलीबाबा में 40% शेयर लेके याहू ने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दी, और ये अलीबाबा के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी और याहू के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट। 19 सितंबर 2014 में अलीबाबा पब्लिक हो गया और वो दुनिया का सबसे बड़ा IPO था, गूगल से भी बड़ा। उस दिन जैक मा ने कहा कि आज हमें सिर्फ पैसे नहीं मिले हैं, बल्कि आज हमें सारी दुनिया के लोगों का ट्रस्ट मिला है, जिसे हमें हर हालत में मेंटेन रखना है। और इसके बाद जैक मा चाइना के रिचेस्ट आदमी बन गए, जिनकी आज की नेट वर्थ है $25 बिलियन। दोस्तों, हम लोगों के साथ भी कई सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज आती है, फेलियर्स आते हैं, तो अगर आपके साथ भी ऐसे फेलियर्स हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ में अपने से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप लाइफ में कभी भी क्विट नहीं करेंगे। जैक मा की एक बहुत ही अच्छी और एक फेमस वर्डिंग है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने एक बार कहा था कि आज बुरा है
कल उससे भी ज्यादा बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और हम भी उसी टॉपिक को कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बने रहे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत।